जोधपुर के देचू से फिलहाल बड़ी खबर आपको बताते हैं। लोरता में 11 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पाकिस्तानी शरणार्थी बताए जा रहे हैं ये सभी मृतक, और लगातार आपको अपडेट इस बाबत हम दे रहे हैं। पाकिस्तानी शरणार्थी बताए जा रहे हैं सभी मृतक। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है और सभी की हत्या की आशंका यहां पर जताई जा रही है। मामले की गुत्थी सुलझाने में फिलहाल पुलिस लगातार जुटी हुई है। देचू के लोरता गांव का ये पूरा मामला, जोधपुर से बड़ी खबर, मामले की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। पाकिस्तानी शरणार्थी बताए जा रहे हैं ये सभी 11 मृतक। 11 लोगों के शव मिलने से यहां पर सनसनी फैल गई। आशंका यहां पर जताई जा रही है 11 लोगों की हत्या हुई है पूरे इलाके में। इसके बाद सनसनी फैल गई। पाकिस्तानी शरणार्थी बताए जा रहे हैं सभी मृतक। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या हुई है इन 11 लोगों की यहां पर। जोधपुर के देचू से बड़ी खबर, मामले की गुत्थी को सुलझाने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। लगातार जांच की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है हर एंगल से। देचू के लोरता गांव का यह पूरा मामला, 11 लोगों के शव मिलने से सनसनी यहां पर फैल गई, और साथ ही पाकिस्तानी शरणार्थी बताए जा रहे हैं ये सभी लोग। और एक और जानकारी आपको दे देते हैं, फिलहाल जो आशंका जताई जा रही है वो ये है कि इन 11 लोगों की हत्या की गई है। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। जोधपुर के देचू से इस वक्त की बड़ी खबर, लोरता में 11 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। चलिए और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दयाल सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दयाल, क्या जानकारी मिल पा रही है, कब ये सूचना मिली कि इन 11 लोगों की मौत हुई है, शव इनके मिले, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? देखिए मनीषा, बताना चाहूंगा कि जो देचू थाना क्षेत्र है, लोहरता गांव है, वहाँ पर एक कृषि ट्यूबवेल है, वहाँ पर ये लोग कृषि कार्य के लिए वहाँ उन्होंने काम पे लगे हुए थे। सभी लोग भील जाति के हैं और पाक शरणार्थी है। उसमें से ये कुल 12 लोग थे, उसमें से एक बच्चा जो है अभी घायल है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। साथ ही जो 11 शव जो मिले हैं, संदिग्ध मिले हैं, और इसकी जांच जो है पुलिस कर रही है। जोधपुर से ग्रामीण एसपी हरेंद्र सिंह वहां पहुंच गए हैं, और साथ ही जो आला अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे हैं, और देचू के जो एसडीएम वगैरह है वो भी मौके पर पहुंचे हैं, और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है। जो क्राइम सीन है उसे देखा जा रहा है। जी दयाल, देखिए एक साथ 11 लोगों का शव मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ये बताएं कि आसपास के लोगों से कुछ बातचीत हुई? निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा कि जैसे आसपास के लोगों से बात हुई है कि ये लोग जो कृषि कार्य में व्यस्त रहने वाला परिवार था, और साथ ही कोई रंजिश की कोई बात है नहीं आसपास में, तो साफ ही लगता है कि किस वजह से ये जो घटना हुई है इसकी जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किस वजह से इतने लोगों की एक साथ मौत हुई है। जी दयाल, ये बताएं कि देखिए 11 लोगों के शव यहां पर मिले हैं, किस हालत में वो मिले हैं, क्योंकि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कहीं चोट वोट उनके शरीर पर? अभी पुलिस जांच कर रही है, इस तरह की अभी बात सामने नहीं आई। जिस तरह से सूत्रों से जानकारी मिली उस तरह से इन सब के शव मिले हैं। पहले एक बार सामने आ रहा था जहर खिलाने की घटना हो सकती है, जिस तरह से एक जो जिंदा बच्चा हुआ बच्चा है इसे वो जब ठीक होगा तो सारी कहानी कुछ सामने आने की बात है। जी दयाल, फिलहाल वहां पर पुलिस और एफएसएल की टीम है, उनकी तरफ से कुछ कहा जा रहा है? निश्चित बताना चाहूंगा, अभी तक अधिकारियों ने कोई जांच में जुटे हुए हैं, जैसे ही वो जांच से जैसे फ्री होते हैं तो जब बांट देंगे तो सारा मामला सामने, जो प्रथम दृष्टि जो बात है वो सामने आएगी। जी दयाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देचू के लोरता गांव का ये पूरा मामला है, फिलहाल पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आशंका फिलहाल हत्या की है, लेकिन आसपास के लोगों से जब बातचीत हुई तो उनका यहां पर यही कहना, आपसी रंजिश उन लोगों में नहीं थी, और कृषि कार्य में व्यस्त रहने वाला पूरा परिवार था, एक बच्चा वहां पर घायल है, कुल 12 लोग रहते थे। बच्चे के होश में आने पर काफी कुछ जो गुत्थी है वो सुलझने की यहाँ पर आशंका भी है, लेकिन फिलहाल लगातार जांच की जा रही है हर एंगल से कि आखिर कैसे इस प्रकार की जो घटना है, इस प्रकार का मामला यहां से सामने आया।